जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी देखने जाता, क्यों मारे जाते हैं 12 जूते, ये रहस्य है इस कहानी का। और इस रहस्य को खोलने की पूरी तैयारी में बैठा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष और काफिले के और लोगों के सामने, और हम आपके सामने। वो रामू को सुना रहा है और हम राम और सीताओं को सुना रहे। सब पता कर लिया अवधि ज्ञान धारणी कुलदेवी के द्वारा सेठ लक्ष्मीधर ने, बिछा लिया है तख्त, बैठा लिया है लोगों को सामने, बैठा लिया रामों को, कहा कि ले सुन, तेरी जिद थी ना कि ये बताओ 12 जूते क्यों मारे जाते। जी सेठ जी, फरमाओ। अब मरता क्या ना करता, अब तो कोई चारा है ही नहीं। जी फरमाओ कि सुनो, जो वर्तमान के अंदर इस वक्त तुम चंपापुरी को देख रहे हो, इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो गए। कईयों ने, तुम्हारे में से कईयों ने भी कहा कि चंपापुरी की शोभा उज्जैनी से भी अच्छी है, ये तुमने बोला है। लेकिन एक वक्त ऐसा था वर्षों पहले, जिस वक्त इस चंपापुरी के ऊपर राजा चंद्रसेन का राज्य हुआ करता था, उस वक्त चंपापुरी की सुंदरता इतनी गजब की थी कि देवलोक के देवता भी इसके सौंदर्य को देखने के लिए आया करते थे। राजा बड़ा ही नीति संपन्न, जिसकी नियत साफ, जिसकी नीति साफ, अपनी प्रजा का, अपनी संतान की तरह पालन करता था, स्वयं समझदार था, शरीर से गोरांग था, बाजुओं में दम था, चेहरा बड़ा भव्य था, मुखाकृति बड़ी खूबसूरत थी। उसके बावजूद भी प्रजा वत्सल था, रात को वेश बदलकर अपनी प्रजा के दुख दर्द को देखा करता था कि मेरे राज्य में प्रजा शांति के साथ सो रही है या नहीं, रह रही है या नहीं, इसको देखा करता था। बस वैसे परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी। बीच चंपापुरी में 9 खंड का 9 मंजिला महल था, जिसका नाम था इंद्र महल। इंद्र महल यानी इंद्र से तुलना की जाती थी। उस महल को देखने के लिए चारों तरफ से लोग आया करते थे, कोई कमी नहीं। बस राजा और प्रजा को एक ही दुख था, कौन सा? कि राजा नहीं संतान था, राजा के कोई औलाद नहीं थी। संतान प्राप्ति के लोभ में आकर, ये नहीं तो वो, वो नहीं तो वो, वो नहीं तो वो, संतान के लालच में आकर राजा चंद्रसेन ने एक नहीं, दो नहीं, कर्मशः 12 विवाह किए। 12 रानियां थी, भानुमती सबसे बड़ी थी, पुष्पवती सबसे छोटी थी, बीच में कोई अनंगमाला, कोई मदन मंजरी, कोई विद्युत लता, कोई काम कीर्ति, कोई पुष्पलता, इस प्रकार 12 रानियां थी। लेकिन किसी भी झाड़ पर कोई फल नहीं लगा, पेड़ों की टहनियां खाली की खाली रही। दिल में तो बहुत मलाल हुआ,
पर लेकिन ये सोचकर चुप रह गया कि किस्मत के आगे किसी की पेश नहीं चलती है, संतान का योग नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। उसने अपने मन को समझा लिया, बस रोजमर्रा की जिंदगी का यही उसका हिसाब और किताब था कि अपनी वक्त मिलता राज्यसभा में बैठता, थोड़ा वक्त मिलता अपनी पत्नियों के बीच में हंसता खेलता मुस्कुराता खाता और पीता जीता, फिर कुछ समय प्रातःकाल, वो प्रातःकाल अपने 3-4-5 सेवकों के साथ अंगरक्षकों के साथ वन भ्रमण के लिए जाया करता था। एक बार जब वो वन भ्रमण करने के लिए गया हुआ था, वन भ्रमण करके आ ही रहा था, इधर से सूर्य निकल रहा है, इधर से राजा आ रहा है, इसके बीच में घटना घटित होती है कि एक किसान बैलों की जोड़ी लेकर, समझ गए, बैलों की जोड़ी लेकर, उस समय कोई ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, बैल गौवंश पर ही जीवन चर्या चला करती थी, गौएं दूध दिया करती थी और अन्न उगाने के काम और बाहर के काम ढोने ढाने के काम उनके बैल हुआ करते थे, वही उनका जीवन हुआ करता था, वही उनका वैभव हुआ करता था। हमारे दसों श्रावकों ही, दसों श्रावकों के पास गौवंश मालूम है, किसी के पास 80,000, किसी के पास 60,000, ऐसी ऐसी गौएं हुआ करती थी, पूरा गौवंश हुआ करता था। यह हमारी पुरानी समृद्धि है, यह हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। तो बैल लेकर के, बैलों की जोड़ी लेकर के, एक पोटली सिर पे लेकर के, हाथ में बैलों की वो जोड़ लेकर के, साथ में लड़के को लेकर के नगर के बाहर जा रहा था। जैसे ही सामने से अचानक राजा को आते हुए देखा, एकदम बैलों की जोड़ी को खींच लिया, चलते हुए बैल रुक गए, हड़बड़ा गया किसान, पोटली भी गिर गई, उठाया उसे फटाफट, थोड़ी देर सोचा, लड़के को कहा वापिस वापिस, एकदम वापिस मुड़ गया, उसको रुकते हुए देखा, सोचते हुए देखा और मुड़ते हुए देखा, किसने, राजा ने। राजा ने कहा ये किसान जा तो खेत की तरफ रहा था, लेकिन मुझे देखा, रुका, ठिठका, सोचा, वापिस मुड़ा, वजह क्या? अंगरक्षकों को कहा कि इसका पीछा करो, जहां इसका घर है वहां तक जाओ, और मैं इतने नहाता धोता हूं, और इस किसान को राजसभा में लेकर आ। राजा गया, स्नान आदि से निवृत्त हुआ, राजसभा में बैठ गया, आवाज आई, महाराज जिस किसान को आपने बुलाया है वह हाजिर हो गया है। तब राजा ने कहा रुको, बड़गांव शेरी वालों का समय हो गया है, रुको, कल मिलेंगे।